तो मंदिर में आते हैं ना, वहाँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी तो जरूर रखने के लिए मुरलियों में आते हैं ना, वहाँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जरूर रखना ही है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो पैदाइश के लिए पश्चिम में, जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जरूर रखना, ये एक पॉइंट आएगा मुरली में। हाँ जी, तो ये बात है जो संगमी की लक्ष्मी नारायण जो है वो वाइब्रेशन द्वारा और पैदा करते हैं। हाँ जी, उसमें तो शुक्रकंद कैसा डालते हैं माटी पेट में, शुक्रकंद वो एक बात है। और दूसरी एक, एक बात का जवाब एक बार में लेते जाए, इकट्ठा नहीं। एक होती है स्थूल चीज और एक होती है सूक्ष्म चीज, वाचा स्थूल है या सूक्ष्म है? स्थूल है, स्थूल है, और वाइब्रेशन सूक्ष्म है। वाइब्रेशन का अणु अणु नहीं बनाया जा सकता, क्या माना स्थूल चीज नहीं है ना, उसका अणु नहीं होता, लेकिन फिर भी शक्तिशाली होता है। इसी तरह से जैसे पपीते का वृक्ष है, पौधा है, वो मीलों दूर से नर और मादा अपना वाइब्रेशन खींच लेते हैं, स्थूल रूप में कोई शुक्राणु नहीं होता। और पपीते का फल पेट के लिए बहुत मुफीद होता है, मुफीद माना सुखदायी, पेट को शुद्ध करने वाला होता है, कोई प्रकार का प्रदूषण पैदा नहीं होगा। ऐसे ही ये जो वाइब्रेशन का शुक्राणु है, ये नई सृष्टि के लिए चढ़ती कला है, गिरती कला में नहीं ले जाएगा। और सत्यु के आज से ही राधा और कृष्ण जैसे बच्चे एक दूसरे को दृष्टि से देखेंगे, दृष्टि के शुक्राणु एक दूसरे में डालेंगे। वो स्थूल होने के कारण बुद्ध रूपी पेट को पवित्र नहीं बना के नहीं रख सकते, कुछ न कुछ अंश मात्र पतन जरूर होगा। क्यों? क्यों उसमें देह का अंश आ जाता है, आंखें भी बन ज्ञानेन्द्रियां हैं, और ज्ञानेन्द्रियों में भी सबसे ऊंची स्टेज की इंद्रियां हैं, आत्मरूपी राजा के बिल्कुल नजदीक रहने वाली इंद्रियां हैं, परंतु फिर भी देह का अंग है। दृष्टि से दृष्टि भी सुधरती है, परंतु मनुष्य की दृष्टि से दृष्टि नहीं सुधर सकती। चाहे सतयुग के देवताएं ही क्यों उतर आए हों, वो भी दृष्टि से सृष्टि को नहीं सुधार सकते। एक बाप ही है जो साकार रथ में प्रवेश करके साकार ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अथवा कर्म इंद्रियों के द्वारा भी सात्विकता के ही वाइब्रेशन देखता है, सात
वाक्य के संग का रंग ही लगाता है, कुसंग में नहीं लग सकता, काम से नहीं बना सकता। उसके इस काम के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा है? नहीं, वो तो एक गुण बता दिया, विशेष गुण है, सदाशिव, सदैव कल्याणकारी है, दृष्टि से भी कल्याणकारी, वाइब्रेशन से भी कल्याणकारी, इंद्रियों से भी कल्याणकारी, वाचा से भी कल्याणकारी। कोई भी हालत में, कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में बाप का संग का रंग कल्याणकारी हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम काम के आधार पर शिव है। और कोई आत्मा को शिव नहीं कहा जा सकता। तो शिव के पार्ट की तो बात ही अलग है, वो दृष्टि से भी कल्याण करता है, वाइब्रेशन से तो कल्याण करता ही है, परंतु वाइब्रेशन भी साकार के थ्रू चाहिए। अगर साकार के थ्रू वाइब्रेशन न हो तो इस दृष्टि पर उसको आने की भी दरकार नहीं, ऊपर बैठे बैठे ही वाइब्रेशन देता रहे, प्रेरणा करता रहे, उस आत्मा को भी उसका फल मिल जाता, वो भी सड़क की दुनिया में आ जाती, परंतु उसका तो पार्ट ही नहीं है। जिस तन में प्रवेश होकर के ये कार्य करता है, संग का रंग लगाता है, उस तनधारी को ही सारी प्राप्ति होती है। मेहनत का अधूरा मिलता जरूर है, तो मानवीय आत्माओं की कर्म इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में, चाहे कोई भी स्टेज में रहे हो, उनके संग से, रंग से पतन जरूर होगा। सचिव में भी पतन होता है या नहीं होता है? होता है, नहीं तो कलाई कम कैसे होती है? ज्यों ज्यों अनेक आत्माओं के संग का रंग लगता है, या एक दो आत्माओं के भी संग का रंग लगता है, तो कुछ न कुछ व्यक्ति नीचे उतरती है। एक संगम युग ही है जिसमें परमपिता परमात्मा मुकर्र रथ में प्रवेश करके दृष्टि से सारी शक्ति का उद्धार करता है, और उसी तन के वाइब्रेशन के द्वारा जो जो आत्मा है उस वाइब्रेशन को निमित्त लेने लायक बनती है, माना अच्छा पुरुषार्थी बनती है। जैसे कि द्वादश शिवलिंग गाये हुए हैं, जरूर बाप के सच्चे बच्चे होंगे, मतलब जो सूर्य जो बारह ग्रुप वो है बाप, अगर सच्चे बच्चे न हो, कथनी कर्मी में उनके अंतर हो, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में नहीं गिने जाएंगे। ज्योति कहा जाता है ज्ञान की ज्योति, नंबरदार आत्माएं हैं जो माला के मड़के बनती है, सब कल्याण करने वाले हैं, लेकिन कोई एक का आधार लेकर के नहीं रहा जा सकता। नहीं तो मुकर्रर रस का कोई गायन ही न हो।
आगे क्या बोल रहे थे? प्राइवेसी वहाँ की जाती है जहाँ कुछ चोरी की जाती है, जहाँ कुछ अनर्थ किया जाता है। अकल्याण में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, कमजोरी दिखाई पड़ती है, पतितपना देखने में आता है, तन की शक्ति छिन्न होते देखी जाती है, तो प्राइवेसी की जरूरत होती है। प्राइवेसी की क्या दरकार है? कोई खराब काम कर रहे क्या? खराब काम कर रहा है, लेकिन तो जगह भान कुछ होता है ना? ये होती नहीं वहाँ, मतलब ये इंद्रियों द्वारा होते है ना, जो कर्म इंद्रिया है उनसे देहभान बढ़ता है। ज्ञान इंद्रियों से देहभान उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि वहाँ आप भी चार इंद्रिया होती है। और अब जो टेढ़ी होती है ना, फीमेल नहीं टेढ़ी, मतलब टेढ़ी का मतलब है वो मेल नहीं है या फीमेल नहीं है। और तीसरा रूप है टेढ़ी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ किन्नर, हाँ जी, हाँ जी, वो जन्म किस कर्म के फल है? इंद्रियों को जो जाति दुरुपयोग करते हैं, क्या इंद्रियों का जाति दुरुपयोग करते हैं, चाहे स्त्री जन्म में और चाहे पुरुष जन्म में, अरे हर चीज की कोई सीमा होती है, सीमा से परे होकर अगर दुरुपयोग करेंगे चाहे अपना और चाहे दूसरों का, अपना हनन करते हैं तो आत्मघाती बनते हैं और दूसरों का हनन करते हैं तो हत्यारे बनते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो इंद्रियों का बहुत हनन कर देती है, खास कर काम इंद्रियों का, उनको फिर किन्नर जाति में जन्म लेना पड़ता है। जिनको महाभारत में कहा गया शिखंडी, हाँ जी, इंप्योरिटी से होता है बिना सृष्टि गड्ढे की ओर जाती है, और प्योरिटी से होती है स्थापना। और ब्राह्मण जीवन में जो खास बात है, मुख्य बात सभ्यता प्योरिटी, वो उस बात से जो वैद्य वाला है ना, तो विजय वाला जो है ना, हाँ वो संपन्न है ना उस बात में? हाँ जी, संपन्न है नहीं, अगर संपन्न हो तो जो विजय माला में आने वाली वर्तमान में आत्माएं हैं अभी, वो बेसिक का पुरुषार्थ कर रही है, बेसिक पढ़ाई पढ़ रही है, ये एडवांस का पुरुषार्थ कर रही है। बेसिक पढ़ाई, और बेसिक पढ़ाई में त्रुटि ये है आ गई है, पहले नहीं थी, ये त्रुटि आ गई है कि वो ये समझे बैठे हैं कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, जबकि ऐसा नहीं है। दृष्टि से शक्ति 63 जन्मों में बिगड़ती आई है या सुधरती आई है? बिगड़ती क्यों? क्योंकि जितनी भी दृष्टि है आत्माओं की, वो द्वापर युग से साफ व्यभिचारी बन पड़े। व्यभिचारी दृष्टि वृत्ति एकाग्र नहीं हो पाती है,
अगर एकाग्र हो जाए तो उसकी निशानी है कि सदा निश्चय बुद्धि हो जाएगा। घड़ी घड़ी निश्चय है, घड़ी घड़ी अनिश्चय है, इसकी दरकार ही नहीं रहेगी। वज्रता की संस्कार है, संपन्न नहीं है, उसमें संस्कार है। जन्म जन्म जो विजय माला में संस्कार है, परंतु वो संस्कार भी ज्ञान के आधार पर इमर्ज हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि सन्यासी बनकर के रहने से पक्की पवित्रता नहीं होती। पक्की पवित्रता प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की है। बेसिक नॉलेज वाले सन्यासियों का पार्ट बजाए रहे हैं या प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं का पार्ट बजा रहे हैं? कौन सा पार्ट है? सन्यासी का पार्ट है। तुम अकेले बोल रहे हैं, ये सब भी तो बोले ना, कान तो हिलाए। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां संग खाने वाले, स्त्री पुरुष संग रहकर उससे सोने वाले, संग खेलने वाले, संग संग पार्ट बजाने वाले हैं या अलगाव कर देते हैं? दूरबाज खुशवाज है, दूरबाज खुशवाज क्या पार्ट बजा रहे हैं? है दूरबाज खुशवाज है। यहाँ सब नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वालों को भी इस बात का अनुभव नहीं है। और बाप तो बेहद का बाप है, वो बेहद की प्रवृत्ति निभाता है। बेहद की प्रवृत्ति में रहते हुए भी दृष्टि से पतित नहीं बनता, चंचल नहीं बनता, निर्लिप्त पार्ट बजाता है। तो विजय माला की जो भांति बनने वाले हैं, उन्होंने तो पक्की सच्चाई को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है। जब हायर नॉलेज लेंगे, तब प्रवृत्ति मार्ग का जो ऊंचा लक्ष्य है, पवित्रता की ऊंची से ऊंची स्टेज है, उसको पकड़ सकेंगे। बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ने वाले और ही समुप्रधान बनते जा रहे हैं या बेसिक नॉलेज से सतोप्रधान बन रहे हैं? समुप्रधान बन रहे। ऐसे नहीं है किसी का आत्मा ने ये प्रतिज्ञा ली, 500 करोड़ आत्माओं के बीच एक ही आत्मा ऐसी प्रतिज्ञा लेती है, जन्म जन्म लगे रगर हमारी, वरम शंभु न तो रहो कुमारी। जन्म जन्मांतर एक का ही संग का रंग लगे पति पत्नी के रूप में, और कोई आत्मा का संग का रंग न लगे। अच्छा, तो 63 जन्मों में वो आत्मा पतित नहीं बनती क्या? क्यों वो पतित बनती है? वो आत्मा जो अपील के लिए पकड़ा है वो हाँ विजय माला कृपा, विजय माला की जो हेड है पार्वती नाम पड़ता है, पार लगाने वाली, वो कलयुग के अंतिम जन्म में आते आते पतित बनती है या नहीं बनती है? बनती है। कारण? कारण वो नहीं, व्यभिचारी तो नहीं है, नहीं। मतलब व्यभिचारी नहीं है, परंतु जिसके साथ संग का रंग लगता है
वो कैसा है? वो जन्म जन्म जन्मांतर का बना हुआ राजा है, बड़े से बड़ा कि नहीं? सही बात। और पतित राजाओं में सबसे जास्ती पतित बनने वाला है या नहीं? उसके संग का रंग नहीं लगता? लगता तो है। तो त्रेता जन्म में भी नीचे तो गिरना हो गया। अच्छा वहां की बात छोड़ दी जाए, अभी संगम जन्म में जो शूटिंग पीरियड है उसमें तो संग का रंग नहीं लग रहा है। कैसे? अनेक आत्मा की संख्या रंग में आते हैं ना। वहां दृष्टि वृत्ति का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सी दृष्टि से शक्ति सुधरती है, इसलिए वो सारे ही सिर्फ हम बन करके बैठे हुए हैं और सारे ही सिर्फ बन करके बैठ जाएंगे तो जो सिर्फ बन करके बैठेंगे उनकी अपनी दृष्टि प्रदूषित होगी या नहीं होगी? होगी, प्रदूषित होती है, दृष्टि पतित बनती जाती है। और दृष्टि से भी बड़ा पतन होता है, आंखें जितना धोखा देती हैं उतना कोई और अंग धोखा नहीं देता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ जी, शनिदेव जो है वो देव तो है लेकिन अष्टदेवों में नहीं है। भक्त लोग तो किसी को भी ईश्वर कह देते, क्या सबको ईश्वर कह देते, कोई को भी ईश्वर कह देंगे, उनकी बात तो छोड़ो। ईश्वर का मतलब होता है ईश माना शासन करने वाला और वर माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला। जब शासन करने के लिए आता है तो सबको प्यार ही प्यार से चलाता है, वो प्यार का सागर है। चाहे माँ के रूप में पार्ट बजाता है, चाहे बाप के रूप में पार्ट बजाता है, चाहे टीचर के रूप में पार्ट बजाता है, लेकिन प्यार से ही पालना देता है। वो धर्मराज नहीं बनता और प्यार से शासन करते हुए भी नीचे गिराता है या ऊपर उठाता है? ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है। ऐसा श्रेष्ठ शासन और किसी युग में और कोई आत्मा न करेगी और न किसी ने किया। इसलिए हर धर्म में गॉड फादर की इतनी मान्यता है। वो प्यार का शासन करता है। मनुष्य ऐसा प्यार का शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्माओं में देवान रहता है शासन करने वालों में। थोड़ी सी कुर्सी मिल जाए फिर देखो, अभी हाल सबको दास बना के रखो। प्रभुता पाही का ही मदन आई। लेकिन बाप कहते हैं मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ बाप। और बाप क्या कहते हैं? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वेंट बन करके आया हुआ हूँ। प्यार से ऑर्डर करो, आज्ञा करो और मैं तुम्हारी सेवा करूँ। जी हाँ,
भावना,
खराब चीज नहीं होती है, श्रद्धा भावना अच्छी चीज होती है। श्रद्धा भावना को भक्ति नहीं कहा जाता, भक्ति कहा जाता है अंध श्रद्धा, अंधी भावना को। अंधी श्रद्धा और अंधी भावना में समझ नहीं होती है, सिर्फ सुनना सुनाना होता है। सुनने और सुनाने मात्र को कहा जाता है भक्ति, और समझने और समझाने को कहा जाता है ज्ञान। और ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कुकर ज्ञानी और एक होता है असली ज्ञानी। जो कुकर ज्ञानी होता है उसके लिए कहते हैं कुत्ते की तरह भौं भौं करता है, कुकर माने कुत्ता, माने प्रैक्टिकल जीवन कुत्ते का कैसा होता है, व्यभिचारी होता है, उसको कहेंगे कुकर ज्ञानी। और एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञानी। प्रैक्टिकल ज्ञानी वो है जो सुनता भी है, समझता भी है, दूसरों को सुनाता भी है, समझाता भी है, और प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करता है, वो है असली ज्ञानी। तो ज्ञान बीज है और भक्ति बीज नहीं है, बाप नहीं है, भक्ति आधार है, बहुत जड़ तो नहीं है, जड़ है। बीज ज्यादा पावरफुल होता है, भक्ति का विस्तार तो बहुत हो जाता है, लेकिन वो पावर नहीं रहती, वो सार नहीं रहता। इसलिए सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो पहले पहले भक्ति का फाउंडेशन पक्का करते हैं, माता में प्रवेश करते हैं, और वो भक्ति भी श्रद्धा विश्वास भावना वाली होनी चाहिए। हर चीज दुनिया की पहले शास्त्रित लास्ट में तम प्रधान बनती है, भक्ति भी पहले सत्व प्रधान होती है। द्वापर युग में जब भक्ति शुरू हुई तो एक की भक्ति थी या अनेकों की भक्ति थी? एक की भक्ति थी। उनको रावण नहीं करेगा, तो रावण थोड़े कहेंगे, अनेक मुख वाली थोड़े कहेंगे, विचारी दृष्टि वृष्टि वाली थोड़े कहेंगे। ज्ञान भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता है, एक से सुनते रहे सतो प्रधान तो सतो प्रधान, और फिर सुनने वालों सुनाने वालों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही तमो प्रधान होता जाता है। जितना जितना फायदा उतना उतना फायदा। यह सत्य है कि जो प्योरिटी जो भंग होती है उसके जाते जाते नुकसान होती है, और जिस फायदा को भंग करने से कम कम नुकसान होती है, जिस कायदा को भंग करने से जाती नुकसान होता है, जिस कायदा को भंग करने से बहुत कम नुकसान होता। कोई भी कायदा है, कोई एक कायदे को 1% फॉलो करता है और 99% फॉलो नहीं करता है, तो वो ही कायदा ज्यादा नुकसानदायक बन जाएगा। अगर कोई उसी कायदे को 99% फॉलो करता है, 1% फॉलो नहीं कर पाता है, तो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अरे कायदा ऐसा, हाँ जी, कोई भी कायदे कानून की बात हो। बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, हाँ जी,
उसको विशिष्ट माना बेहद में उसको कैसा समझा तिरुपति को बेहद में कैसा समझना ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से कैसा समझता तिरुपति है तो अभी ज्ञान की पूजा है तो तिरुपति जो नाम पड़ा है नाम काम के आधार पर पड़ता है कि ऐसे ही पड़ जाता है तो ये नाम जो उच्चारण करने वाले कोई तो होंगे जिन्होंने पहले पहले अंदर से अंदर के दिल से ये उच्चारण किया हो क्या तेरोपति मेरोपति नहीं अंदर से अनुभव किया हो इस बात का फाउंडेशन डाला हो तेरोपति की जो स्थापना है मंदिर की वो विराट पुरुष के उत्तरार्ध में है या दक्षिणार्ध में दक्षिणार्ध में है इससे ही साबित होता है कि जब दो पत्नियों वाली बात आती है तब की यादगार है यहाँ सतयुग त्रेता में सती का उत्तरार्ध होता है उत्तरायण की शूटिंग होती है वहां तिरुपति की याद नहीं यादगार नहीं होती है न लड़ाई होती है मतलब दोनों का ऐसा होता है भाव अंदर में भावना तेरा पति दोनों का होता है उनकी अपनी भावना अलग श्रीदेवी की भावना अलग और पद्मावती की भावना अलग पद्मावती पदम के ऊपर विराजमान है पदम माने कमल फूल कमल का फूल कीचड़ में रहता है ये देह रूपी कीचड़ है देह रूपी कीचड़ के संग रहती है क्या लेकिन दिल का प्यार नहीं दे पाती और श्रीदेवी देह रूपी कीचड़ से बहुत दूर है लेकिन दिल का प्यार देती है इसलिए दोनों में लड़ाई होती है पद्मावती कहती है प्रैक्टिकल में शरीर के साथ तो मेरा है लेकिन जो दिल है वो तो तेरा है मेरा कहेगा ये तेरोपति है ये पद्मावती कहती है और श्रीदेवी कहती है अरे इस दुनिया में आए हैं साकार दुनिया है साकार दुनिया में दिल तो अंदर की चीज है बाहर से कौन देखता है जंगल में मोरना क्या किसने देखा अरे वो तो तन मन धन तन और धन से तेरा ही है सारा तन तेरे को देता है सारा धन तेरे को देता है मेरा कायदे है इसलिए वो यादगार बनी हुई है तेरोपति जो अभी सूक्ष्म शरीर में है हाँ जी हाँ जी वो कौन सी महापाप किया है
तो रामकृष्ण आश्रम और राम राम के बाद वो उत्तराधेश आश्रम है और दूसरी तरफ वो उद्धार किया है और महापापी भी किया है कौन से महापाप लिया है उनका रिश्ते उसको कृष्ण वाली आत्मा चौरासी जन्म तो लेती है परंतु बाप का डायरेक्ट बच्चा नहीं बनती जैसे हम बने डायरेक्ट बच्चा न बनने के कारण डायरेक्ट बाप से वर्षा भी वर्षा भी नहीं लेती और बाप कहते हैं तुम बच्चों ने मेरे को पहचाना है तुमको ऐसा बुद्धि का वरदान मिला है उस जन्म जन्मांतर तुमने ऐसे अच्छे कर्म किए जो तुमको ऐसा बुद्ध रूपी पात्र मिला है जो तुमने बाप को पहचान लिया बाप तुम्हारे में कोई गुण नहीं देखते हैं क्या देखते हैं क्या गुण देखते हैं तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है और कोई चंद्रवंशी हो रामवंशी हो बौद्धि वंशी हो किचन वंशी हो कोई ने भी बाप को नहीं पहचाना तो तुम ज्ञानी तू आत्मा हो तुम्हारी आंखें खुली हुई कहेंगे या बंद आंखें कहेंगे खुली हुई आंखें तुम सोझरा पसंद करते हो क्या क्या पसंद करते हो सोझरा पसंद करते हो तुम्हारे अंदर से आवाज निकलती है सोझरा कायम रहेगा और जो आंखों के अंधे हैं धतराष्ट हैं जिनकी ज्ञान का तीसरे से नहीं खुलता है वो अंधे होने के कारण उनके अंदर से आवाज निकलती है जैसे हम अंधे हैं सब अंधे हो गए अंधेरा कायम रहेगा न हम सोझरे को आने देंगे और न इस जीवन में हम सोझरे में जाएंगे तो फर्क नहीं होगा दोनों प्रकार की आत्माओं में बहुत फर्क है हम ऐसे समझते हैं हम ब्रह्मा से भी समझते समझते क्या है अनुभूति करते माना प्रैक्टिकल में है नहीं कहते अरे पतित तो दुनिया में बहुत होते हैं सारे ही होते हैं सारी दुनिया पतित है ये पतित होना ये भगवान की दृष्टि में कोई खराब बात नहीं हुई खराब बात क्या है दे अभिमान को त्याग दे और एक दे अभिमान को नहीं त्यागे तो जिन्होंने दे अभिमान को पहले त्याग दिया वो शेष आत्मा है जिन्होंने दे अभिमान को नहीं त्यागा वो शेष आत्मा है भगवान की नजर में नहीं है दुनिया की नजर में भले श्रेष्ठ हो जाए इतना है उनको बहुत मान मर्तबा है वो भ्रष्टाचारी समझो और जिनको इस दुनिया में कोई मान मर्तबा नहीं है क्या करोड़पति नहीं है भले रोडपति है गली गली की खाक छान रहे हैं दुनिया की दृष्टि में ऊंचे नहीं है लेकिन बाप की नजरों में ऊंचे हैं भागीदार तो पूर्व जन्म में भी गरीब ही था
करोड़पति नहीं था क्या? भले हीरो का व्यापारी था, दादा लेखराज से भी ज्यादा होशियार था, लेकिन सच्चा व्यापारी था। झूठे झूठे हीरो के बाजार में एक छोटी सी दुकान रखने वाला सच्चा व्यापारी था, तो लोग उसको क्या समझेंगे? ये झूठा हीरा बेचने वाला होगा या सच्चा हीरा बेचने वाला होगा? झूठा ही समझेंगे। अब ब्रह्माबाद वाले सौ चांद से दुकान खोल करके रहते थे, न्यू मुसलमान बेच लेकर के न्यू राजाओं महाराजाओं के महलों में घुसे चले जाते थे। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है ज्ञान में। क्यों? क्योंकि पंप एंड शो क्राइस्ट के स्वभाव संस्कार है क्रिश्चियंस के, पंप एंड शो के दिखावा करने के, वो संस्कार कृष्ण की आत्मा में भी है। कृष्ण की आत्मा से क्रिश्चियंस ने उठाए है। जो असली नहीं होता वो दिखावा करता है, जो असली होता है उसको दिखावा करने की दरकार ही नहीं। जानता है आज नहीं तो कल सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी। तो ये क्रोध की बात नहीं, कृष्ण और कृष्ण और कृष्ण की राशि के बारे में, वो क्रोध की क्रोध विकार को प्रतिनिधित्व करने वाला वो कृष्ण लोग है ना बाप, क्रोध विकार जी। हाँ जी, वो कृष्ण में भी हमारा लेखन करना भी वो इस रूप से एक होता है अंदर का क्रोध और एक होता है बाहर का क्रोध। इसका मिसाल देते हैं, हिंदू महासभा का अध्यक्ष सावरकर बाबा के पास गया, तीन दिन रहा। बाबा ने बड़ी खातरी की, उसको ये ऐसे लगा जैसे बाबा ने हमारी इतनी खातरी की है दुनिया में कोई ने नहीं की होगी। और जब वो चला गया तो मुरली में बोल दिया, अरे ये थोड़े देवी देवता सनातन धर्म में आ गया। तो आत्मिक दृष्टि कहे नहीं, नहीं 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 कह सकते। तो अंदर ही अंदर एक और बाहर दूसरा। और अब अमृतवाणी में ये बोला हुआ है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है। तो बात उनके अपने ऊपर ही लागू होती, लौकिक जीवन में। और बाबू ये मनुस्मृति है ना, और ये खौफनाक खतरनाक की बात भी उन तथाकथित ब्रह्मा कुमारों कुमारियों को तब पता चलेगी जब धर्मराज के झंडे बजेंगे और ये साबित होगा कि धर्मराज का पार्ट किसका है। जिनको उन्होंने समझाया है कि ये बड़े प्यार करने वाले प्यार के सागर थे, तब मालूम पड़ जाएगा कि कृष्ण की आत्मा प्यार की सागर है या मार की सागर है। इसलिए बाप कहते हैं मैं धर्मराज नहीं बनता हूँ, धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। बाबा वो शिक्षा कैसे है? वो हिसाब के साथ सिद्ध करना है ब्रह्मा बच्चों के वो अब उठा पटक होने लगी, बंद करो।
आत्मिक पुरुषार्थ हो जाए। जब याद लगातार रहेगी तो बाबा सारा काम करता है। क्या हमें ये चिंता ही रहेगी, ये करना है कि वो करना है, जो भी करना होगा ऑटोमेटिक याद आता जाएगा। उसे काम बिगड़ने नहीं देगा। क्या करना है सिर्फ मुझे याद। और ये बहुतों का अनुभव भी होगा, जिन दिनों बाबा की याद अच्छी रहती है और उन दिनों जैसे सारी सेवा आत्मे की होती रहती है। क्या चिंता करने की बात नहीं है। कोई होते हैं सेवा का बहुत बोझ हो जाता है, बड़ी चिंता बढ़ जाती है। नहीं, चिंता बढ़ गई माने ऑटोमेटिक पुरुषार्थ नहीं जाता। मैंने शंकर वाली आत्मा विष्णु नहीं बनती या ब्रह्मा वाली आत्मा विष्णु नहीं बनती। क्या कहना चाहते हैं? विष्णु पार्टी वालों ने समझा दिया, शंकर खत्म हो गया, शंकर का पार्ट खत्म हो गया। क्या ये रंग बात है? ब्रह्मा का पार्ट अंत तक उदा हुआ है, यह अंतवाणी में बोला नहीं बोला। तो जब ब्रह्मा का ही पार्ट स्थापना की कार्य में अंत तक उदा हुआ है तो शंकर का काम क्या खत्म हो गया? दुनिया में विनाश हो गया क्या? अच्छा ब्राह्मणों की दुनिया में बिना हो गया क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे दूसरे धर्म की आत्मा नहीं घुसी हुई है? ये सब हम तक चलता रहता है। लेकिन वो माता का अर्थ यही है, पच्चीस साल विष्णु का पात्र भी चलना है ना, अब कब से शुरू होता है? चल रहा है। ब्रह्मा वाली मूर्ति, शंकर वाली मूर्ति भी किसको सही होते रहे, किसका आवाहन कर रही है? आवाहन करना ये पाठ नहीं है। शंकर जी के पिछाड़ी जब भस्मासुर पड़ा तो सारी दुनिया में दौड़ते थे, आखिरी उनको कौन याद आया? याद आया तो आवाहन करना पड़ेगा, ये भी एक पाठ हुआ ना। प्रैक्टिकल वही करेगा जो प्योरिटी वाला होगा। जन्म जन्मांतर प्योरिटी की पावर रानियों में रही है या राजाओं में रही है? रानियों में रही है। तो रानियों का संगठन सामने जब तक नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिकल पूरी होगा ही। अंडा के पुत्र पांडव माताओं को कन्याओं को सुंदर करते गए और उससे नहीं बता देना, बाहर से दुनिया वाले को पता चलता है ना, कैसा क्या बोलते हैं कार्ड में लिख देने से पता लग जाता है कि ये सुंदर है या नहीं है। सरेंडर होना अंदर की बात है या बाहर की बात है? मतलब कागज किसी को स्टाम्प पेपर में लिख दिया गया या खून से भी लेके कि आज में बहुतों ने लिखा, तो खून से लिख देने से या स्टाम्प पेपर लिख देने से असली सरेंडर हो जाता है क्या? हो जाता है। इसलिए बोला कि तुम बच्चों का दान मान पद पुरुषार्थ सब कुछ तुम पांडव हो ही दूर, और जिनका गुप्त पुरुषार्थ रहता है दूसरों को पता नहीं चलने देते, अंदर से बहुत अच्छे पुरुषार्थी होते वो ही सफल होते। बाहर दुनिया के समस्त में नहीं आते बिना उनका बच्चे कन्या माता आगे बिना सरेंडर होते ना, वो सरेंडर होते हैं लेकिन अंदर से सरेंडर हुए क्या? अंदर से उनके अंदर ये भाव आ गया कि हम एक बात के बन गए, अगर बन गए तो माया पहले क्यों सरेंडर होती है? ऐसी क्यों बात?
अब जो वो गुप्त बात है, बाहर की दुनिया वाले सब कागज की बात देखते हैं, वहां जाकर के बैठ गए कमरे में चल के बंद को देख लिया, वो कोई सरेंडर नहीं है, असली सरेंडर अंदर की बात है, अंतिम सरेंडर क्या तन की कंटिन्यू से सरेंडर। कोई काम ऐसा ना होने पाए जो श्रीमत की बरखिलाफी करने वाला, मन से सरेंडर, कोई संकल्प ऐसा न चले जो श्रीमत के बरखिलाफ हो, धन से सरेंडर, जो भी ईश्वरी है कि मैं आकर के हम काम करते हैं उनसे यज्ञ की बचत होती है कि नहीं, बाप को कहते हैं कम खर्च वाला नहीं, कोई ढेर खर्चा करते थे, खूब खाते हैं पीते हैं मौज उड़ाते हैं, जिनको जहां जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं होने देते, उनकी जो खुट्टे बदारी करेगा, उनकी जो मक्खनबाजी करेगा, उनके पीछे खूब पैसा खर्च करेंगे, नहीं तो बीमारी के लिए भी खर्चा नहीं करें, तो ये एक के लिए सरेंडर हुआ। राम वाली आत्मा जनक महाराज चक्र में ना आने वाली निराकार बिंदु शिव की याद करके अपने विकर्म को कैसे याद कर खत्म करती, राम वाली आत्मा अपने विकर्मों को खत्म करने के लिए जन्म मरण में ना आने वाले शिव बिंदु आत्मा का कैसे याद कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? उसको ज्ञान नहीं है कि परमात्मा किस तरह में आया हुआ है, राम वाली आत्मा को ज्ञान नहीं है इस बात का, हाँ ना उसको करो जो राम वाली आत्मा है उसको इस बात का ज्ञान नहीं है, राम वाली निराकार जो है वो किस तरह में आता है मुकर्र रूप से, अगर ज्ञान नहीं है तो दूसरों को सुना भी नहीं सकता, जब दूसरों को सुना नहीं सकता समझा नहीं सकता तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा याद क्या है और कैसे याद करें, तो पहले तो राम वाली आत्मा को पता चले कि याद का असली रूप क्या है, असली तरीका क्या है, वो खुद ही याद का तरीका नहीं जानता होगा, नहीं करता होगा तो दूसरों को कैसे सुना लेगा, कैसे समझा लेगा, कैसे कोई दूसरा उसकी याद में टिकेगा, राम वाली आत्मा भी साकार में निराकार को ही याद करती है। अपने किसान में नहीं याद वो साकार तो नहीं है, वो और पहले याद है कठिन याद तो और सहज होगी, उसको फॉलो करने के लिए बड़े बड़े गुरुओं ने महर्षियों ने शंकराचार्यों ने महात्माओं ने विद्वानों ने पंडितों ने आचार्यों ने क्या कहना शुरू कर दिया, शिवो अहम हम मैं शिव हूँ, अरे कहने से थोड़ा ही शिव हो जाएगा, दादा सूक्ष्म तंत्र कार्य चार का पता जाना बोलिए नहीं तो सूक्ष्म तंत्र कार्य चार का पता है ना, अभी आप में कम से कम साल तक तिहत्तर का तो गारंटी सेक्टर में 40 साल किसके लिए बोला, 500 लाख को लिए बस एक ही आत्मा के लिए बोला है, तो उसका सूक्ष्म बदल खत्म हो गया, वो तो जब तक पूरी शक्ति का विनाश न हो तब तक किसी साकार शक्ति पर रहना है कि सूक्ष्म बदल में जाना है, अभी क्या मूल्य बोला, सभी आत्माएं जाती है या सूर्यवंश की आत्माएं भी जाती है सूक्ष्म बदल में है, जो असल सूर्यवंश की आत्माएं हैं उनको तो नई दुनिया बनानी है यहाँ पर,
पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है उनकी आंखों के सामने, तब वापस जाएंगे। तो वो जब वापस जाएंगे तो सूक्ष्म बदन की दरकार नहीं होगी, वो सूक्ष्म बदन धारण नहीं करती। शरीर में रहते ही सूक्ष्म स्टेज बना के रहती है, हमारे चिंतन मंथन की स्टेज रहती है। शरीर में रहती निराकारी साकारी और आकारी, निराकारी स्टेज नहीं बनाई जा सकती। जो नहीं बना सकते हैं उनको फिर सूक्ष्म बदन बनाओगे। जो शरीर रहते ही निराकारी आकारी और साकारी स्टेज में प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको वहां जाने की क्या जरूरत है, छोड़ देंगे। ऐसे नहीं है कि 70 तक 40 वर्ष सूक्ष्म बदन खत्म हो गया सबके लिए, नहीं। जिस तरह शरीर रहते ऐसी स्टेज बना ली उसके लिए सूक्ष्म बदन और साक्षात्कार का कोई मूल्य, कोई मूल्य नहीं है। साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं, साक्षात्कार अगर हो भी जाए तो भी उन्हें कोई खुशी खुशी नहीं मिलती। बोला हुआ है जो कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे भगवान आया हूं, बोले वह उनको चलाई नहीं होती। जाओ विष्णु में प्रवेशता का पता कब चलता है, ज्ञान सुनाने में। तो विष्णु जो संपन्न स्टेज वाला है वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा या ज्ञान सुनाएगा, तो करके दिखाने से उसका प्रवेशता भी आता है। कर्म जो है कर्म करने से भी ज्ञान है, किसी ने अच्छे कर्म करके दिखाए उससे ज्ञान दूसरों को देता है, कोई बोल करके ज्ञान देता है, कोई समझा करके ज्ञान देता है, कोई सुना करके ज्ञान देता है। अच्छा कौन है, अपने कर्मों के आधार पर बोल बोल न करे, कर्म ऐसे करके दिखाए जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ये भगवान के बच्चों का कार्य। तो कर्म से भी पढ़ाई होती है, कर्म से भी सेवा होती है। शास्त्रों में एक शिशुपाल नाम आया है, क्या नाम आया, शिशुपाल। शिशुपाल शिशु माने क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे, जो ज्ञान में निकलने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते क्या, बाप की पहचान उनको जैसे कि हुई नहीं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने उठा करके बैठा दिया है पाठशाला, उनको बुद्धू बनाया हुआ। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, बड़े 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 का मतलब क्या है, उनकी बुद्धि में जब बाप का पैसे ही नहीं बैठा उनसे पूछो तुम्हारा बाप कौन है, जैसे ही आए उनसे कहो तुम्हारा बाप कौन है, बाप बताओ, बताएंगे। जब बाप ही नहीं बताएंगे तो उन्होंने बाप का परिचय नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को बच्चे नहीं होता है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं सही हो जाते हैं उनको तो अपने बाप का पता पता चलता है कि नहीं चलता है, उनको तो बाप का पता चल जाता है। और जिनको बाप का निश्चय बैठ जाए वो इधर उधर क्यों भटकेगा, एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेकों से ज्ञान सुनना चाहिए, एक से सुनना चाहिए। हमने तो एक ब्रह्मा को मान लिया तो हम ब्रह्मा की ही बातों पे चलेंगे, हम दूसरी बातों को क्यों अपनाएं। मुरली को छोड़ दिया, चित्रों को पकड़ रहे हैं, नए चित्र बना रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, न चित्रों को मानते हैं, न मुरली को मानते हैं, न अद्वैतवाणी को मानते हैं। पक्का धनी जोड़ी नहीं, पहले तो तारा नाग राजा आया, तारा नाग राजा और कर्नाटक वाला और सब निकलते रहेंगे, जो भी आए कोई नया उनके कहो कहाँ से आए,
कोई कहेंगे हैदराबाद से आए, कोई कहेंगे अहमदाबाद से आए, कोई कहेंगे बम्बई से आए, बताएंगे ना, उनसे लिखवा लो। सबसे पहले उनसे लिखवाओ, नाम लिखो, अपना एड्रेस लिखो, किस लिए आए तो लिखो, और लिखने के बाद फिर उनसे कहो क्या आप परमिशन लेकर के आए, अब आप हैदराबाद से आए तो हैदराबाद संगठन में जाते हो, हमको मन लगेगा दादा बहुत। यहाँ तो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मणों का परिवार है, ब्राह्मणों के परिवार की भांति हो या नहीं हो, वो अलग परिवार हम बना लिया ना, परिवार बना लिया, कहीं क्लास होता है रेगुलर, कोई रेगुलरिटी है, कोई भगवान की वाणी है, उसका कोई ठिकाना है, फिर कहीं शास्त्रों की बातें उठा ली, कहीं दुनिया की बातें उठा ली, कहीं और वो सन्यासी की बातें उठा ली, कहीं बड़े बड़े साइंटिस्ट की बातें उठा ली, ये इसलिए नॉलेज होती है। ईश्वर के ही महाभाग्य होना चाहिए, पहले पहले उनसे आते पूछो, पहले रजिस्टर में नाम लिखो, एड्रेस लिखो, ये गीता पाठशाला है, यहाँ जो भी आता है उसने उनका एड्रेस और नाम और हस्ताक्षर कराए जाते हैं, इसलिए आए जो भी लिखो, उसके बाद उनसे कहो कि जहाँ से आए हो, अभी आया नहीं फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे, फोन कर, डरने की क्या बात है, तो लोग तो पहले के ही ज्यादा परेशान वाले हैं बाबा, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं घर पे, आ जाते हैं, आ जाते हैं तो बात करते हैं, आ जाते हैं, उसके बाद तो उन्हों का पॉइंट हमारे बुद्धि में बिठाते हैं, तो खुदा खुदा पॉइंट है ही नहीं, कोई पॉइंट जब मूल पॉइंट बात करके नहीं, बात को दूर करने का आपका करके ही नहीं दे सकते, ये बता ही नहीं सकते कि बाप कौन है, तो फिर आगे हम बात क्यों करें, आपके बुद्धि का याद दूर करने से का ही वो लोग बिठा देने क्या, तो बोलिए बोला हुआ है आगे चल के ढेर सारे भगवान निकलेंगे बुद्धि को भ्रमित करने के लिए, तो हम बिना गुरु प्रमाण के मान लेंगे क्या, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना गुरु को प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, बाला माता बहुत बार कोशिश किया बाबा, आइए वाला बाला माता अभी तो आउट होते हैं, अभी आउट, अभी और आती है, कान में मंत्र सुन रही है, मंत्र दिखे रही, किसी को बताना नहीं, हम जो बताते हैं वो किसी को बताना नहीं, हम तो कहते हैं हम जो सुनाते हैं वो सब तो सुनो, छुपा छुपाने की कोई बात ही नहीं, शंकराचार्य जो शादी कराते हैं ना, उनसे पूछो तुम बर्दाश्त में छोड़ करके क्यों बैठे हुए हो, दूसरों गालियां करवाते ब्रह्मचारी तो दूसरों को ब्रह्मचारी क्यों करवाते, जो काम खुद कर रहे हो अच्छा वो काम दूसरों को किसी को, वो माता जी कर रहे समझ में क्या समझ में, कथनी करनी किसकी अलग अलग है, वो गुरु कैसा, ये बेधर्म बेधर्मी बनाना हुआ है या स्वधर्मी बनाना हुआ है, इस्लामी क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं, चार चार शादियाँ करो करते भी हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी बढ़ गई, मुसलमानों की बढ़ गई,
माना क्वालिटी नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्वालिटी की बनाते हैं। शिव बाबा आकर के क्या बनाता है? क्वालिटी बनाता है। राजा का संगठन तैयार करता है, राजाओं का संगठन तैयार होगा उसके बाद ये सब खतरा साफ हो जाए। ब्राह्मण जो भी गद्दी जमा के बैठते हैं तो शंकराचार्य मठपंथ बना के बैठते हैं ना, उनसे कहा जाए तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर मानेंगे? अपना मठपंथ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं? यहाँ जम के बैठ गए, बस वहाँ जोड़ल इंचार्ज बोल के बैठ गए। జోన్ ఇంటర్ కూర్చుంటున్నారు ఎవరైతే నిలబడుంటున్నారు కదా, కొట్టంగా కూర్చుంటారు వాళ్ళే కదా శంకరాచార్యులు శంకర్ గారు ప్రతి మాట్లాడుతుంటారు కదా అంతే గారు అవరే దినతో చూస్తుంది దినతో బాపు యాద్ కట్టే బాపుతో సేవాదారి బాగా యాద్ కట్టే అట్లా బోల్ అదితో జో పతి ఆత్మతో సేవా నీ కట్ సకే उनमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश होकर के सेवा कराते? दूसरी आत्मा क्यों? दूसरी आत्मा भी प्रवेश होकर ना आपारी आत्मा बाप दादा स्वयं प्रवेश करके सेवा कराते हैं। जो दूसरी आत्मा है वो सबो प्रधान है कि सबो प्रधान है? सबो खुद ही सबो प्रधान हमें हम बच्चों को सिर्फ सेवा के फील्ड में खड़े रहने की हिम्मत करना है बस, और कुछ नहीं। हिम्मत के बच्चे खड़पा जेल में फोन आए वो आने के लिए वो कल चेल मना कर दिया की बात कर रहे हैं, मना कर दिया। लेकिन वहाँ यहाँ से जो उत्पादन है तो वहाँ ट्रांसफर हो गया, वहाँ जाने के बाद वहाँ जो जेल में कैदी है वो तो लेकर है, वो तो हम पाँच छः लोग हैं, तो वो लोग पूछ रहे थे रंगा भाई का बारे में, चलो मैं साथ किया ना फिर एक बार बुलाइए रंगा भाई को, ऐसे पूछ रहे हैं। तो कल परसों तो फोन किया तो माता बैठी हुई है ना, टीवी ले जाओ बीपी भी ले जाओ उनको दिखाओ, कहीं अंतर द्वारा देखेंगे बार बार उनको दिखाओ, दिखाते दिखाते वो सारी बात उनको क्लियर हो जाएगी टीवी से। अरे वो खुद बुलाएंगे एक रोज क्यों, जो कैदियों को अच्छा लगे तो बार बार बुलाएंगे। हाँ भी ऐसे हो गया बाप धर्म और धर्म कुमार यहाँ करके 1100 जो उल्टा ले रहे हैं इसे बोल करके, अभी लेबर तो वो लोग आकर उनके बोलने वो नहीं मानेंगे, फिर जब उन्हें प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा ये जो सुनाया जा रहा है वो तो ब्रह्म बोलने के बाद है ही नहीं। ब्रह्म कुमारियाँ बड़े बड़े ऑफिसरों को पैसे दे करके उनको सौगात दे करके खुश कर लेंगे, कैदियों को कौन खुश करेगा? वहाँ भी कुछ करते हैं, भूख देते हैं, कलम देते हैं, खाने के लिए ऑर्डर देते हैं, सारी कैदी खाने पीने से खुश हो जाते हैं। वो लोग पूछ रहे हैं, वो लोग कैसे भूख भूख देते हैं, पेन देते हैं, आप कुछ नहीं देते, हम तो मिठाइयाँ रोज देते हैं, मिठाइयाँ खाओ ज्ञान की मिठाई, ज्ञान की मिठाई देते हैं वहाँ देते हैं, और वो तो गरीब रिवाज है आपको देते हैं, गरीबों को करता है बाबा जी तो महाबाजी तो मुरली दिखाओ उनको कहो। मैं तो एक साल का ही परमिशन दिया है यहाँ जेल में, उसके बाद भी लिखा हुआ है ये परमिशन मिला हुआ। अभी रख दिया
उन्होंने पहले रख दिया कि आपने पहले रख दिया? पहले किसने रख दिया? पहले प्रूफ किसका मिल रहा है? ज्ञान की तो सुनाना पड़े कि पुरानी बातें सुनाओ? पुराने बातें सुनाते तो बोल तो नहीं।